ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। मुख्य आयोजक शैलन शर्मा ने बताया कि 5 जुलाई तक पंडाल को पूरे तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। पंडाल के अंदर करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे तरीके से पंडाल और उसके आसपास के एरिया को सीसीटीवी कैमरे से लैस रहेगा। 5 तारीख तक पूरा करके प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। मुख्य आयोजक शैलेंद्र शर्मा का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ग्रेटर नोएडा का जेपी रिसोर्ट बुक कराया गया है। बाबा बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन के लिए 4 लाख स्क्वायर फीट का एरिया पंडाल को सजाया जा रहा है। करीब 150 से ज्यादा मजदूर और वॉलंटियर कार्यक्रम के भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत रहेगी, इसके लिए पुलिस सहायता ली जाएगी। पूरे कार्यक्रम स्थल में 1000 से ज्यादा वॉलंटियर और पुलिस की मदद। वहीं कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए लगातार यहां पर जो मजदूर हैं दिन रात एक करके पंडाल को सही तरीके से सजाया जा रहा है। करीब 5 तारीख को पंडाल को सही तरीके से सजाकर प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। प्रशासन को 5 तारीख को पूरा का पूरा पंडाल और सारी लाइटिंग कैमरे सब कम्प्लीट करके उनको दे देंगे। और तैयारी की व्यवस्था यह है कि गुरुजी की व्यवस्था जेपी में करी गई है और एक जगह और है स्कूल, स्कूल में करी गई है। जहाँ गुरुजी के लोग आएंगे, जहाँ लोग पसंद करेंगे वो वहाँ रहेंगे। यहाँ तक कि उनके भक्तों के सभी ज़्यादातर देखा जाए सारे होटल यहाँ बुक हो गए। अभी तो होटलों में पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, तो होटल तो सारे यहाँ के खुली हैं। हमारा निर्णय तो यह है कि जेपी में या स्कूल में रुकें, बाकी अभी डीएम साहब के नए डीएम साहब और तहसीलदार साहब वगैरह सब लोग यहाँ पर आए थे। परसों डीसीपी साहब खुद मौके पे थे और ट्रैफिक इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग मौके पे थे। सब लोगों ने यहाँ व्यवस्था देखी, यहाँ से पीछे पार्किंग, 2 पार्किंग उन्होंने बुक कराने के लिए बोला है अथॉरिटी के लिए, और पूरा निरीक्षण करके गए। और उन्होंने कहा सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज कॉन्स्टेबल और गार्ड्स लगाए जाएंगे, और कुछ हम अपने पर्सनल गार्ड्स भी मंगा रहे हैं 500, तो वो भी लगाए जाएंगे, और कुछ 200 लेडीज गार्ड भी हमारे पास। कार मेरा नाम विभा त्यागी है और हम यहीं रहते हैं पास में ही, और हम देखने आए थे यहाँ पे कि महिलाएं अगर आती हैं और रुकती हैं रात में प्रवचन के लिए, तो मतलब उनके लिए सुविधाएं कैसी हैं। तो यहाँ पे देख के लगा बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और हर तरीके से यहाँ पे चीज़ों को देखते हुए आसपास में जो लोग आ रहे हैं, जिस भव्य रूप में हो रहा है यहाँ पे सत्संग और संत समागम हो रहा है पूरे तरीके से, और बाबा हमारे बागेश्वर बाबा हमारे नोएडा में आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। तो हम यही